तो कैसे हैं आप लोग? तो फिर आ चुके हैं आज आप मूवी नाइट पे, और आज हम बात करने वाले हैं रोबोट 2.0 की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले साल से कि कब आएगी रोबोट 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब अगर बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अब सब कुछ सही चल रहा है। जो इनका चिट्टी था पार्ट वन ने, उसको तोड़ के एक म्यूजियम में लगा चुके हैं ये लोग। अब दिखाया ये जाता है कि सबके फोन गायब होने लग गए हैं। सबके फोन गायब होने लगे हैं, जी हाँ। तो अब फोन गायब होने लगे हैं तो सब सोचने लग जाते हैं कि क्यों गायब हो रहे हैं और कहां जा रहे हैं। थोड़े ही अरसे में पता चलता है कि एक परिंदा टाइप रोबोट बन रहा है इन सारे फोन्स को मिलाकर, जो कि इन सारे परिंदों का बदला लेना चाहता है। कुछ इस किस्म वो बताना चाह रहा होता है सबको कि नेचर को कितना इफेक्ट हो रहा है हमारी नई इन्वेंशन से। तो स्टोरी के लिए तो सही है, स्टोरी इतनी बुरी नहीं है, एक सही वे में कन्वे की जा रही है स्टोरी। लेकिन अगर कास्ट की बात की जाए तो कास्ट है अक्षय कुमार, रजनीकांत, मैरी जैक्सन और भी। गाने को इतने खास नहीं। बात की जाए ओवरऑल मूवी की, तो ओवरऑल मूवी इतनी अच्छी है कि देखी जा सकती है। लेकिन एक बार मूवी की जो आप बात करें कि मूवी के जो VFX इफेक्ट्स थे, तो इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, इस मूवी के VFX अच्छे हैं, लेकिन इस मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा कमज़ोर है, जो कि मैटर नहीं करता इतना खास, क्योंकि मूवी ओवरऑल अच्छी है। रजनीकांत सर की ओवर एक्टिंग थोड़ी सी हमें डिसअपॉइंट कर सकती है इस मामले में, लेकिन अक्षय कुमार की अपनी जगह पे, जैसे कि वो एक नॉर्मल एक्टर हैं, उसी तरह की एक्टिंग उन्होंने की है। लेकिन अगर आप बाकी इन दोनों की एक्टिंग को छोड़ कर मूवी को देखते हैं तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रजनीकांत सर जो हैं तमिल इंडस्ट्री के एक्टर हैं, और इसीलिए ओवर एक्टिंग उनके खून में है। जितना मर्जी बोल दिया जाए, जितना मर्जी डिफेंड करने की कोशिश की जाए, बाहुबली में भी ओवर एक्टिंग का डोज था। बाहुबली में कई बातों को गलत तरीके से शो किया गया था, जो कि वो है, ठीक है, मूवी है, एंजॉयमेंट के लिए है, देख ली, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सही मूवी की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वो है, ओवर एक्टिंग का डोज है। तो अगर बाकी आप इस मूवी की रेटिंग चाहते हैं तो इस मूवी की रेटिंग होगी 6.4। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली मूवी की बारी में। सुनो मेरी बात को, हम तुम में से किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन मुझ पे यकीन करो, हम तुम सबको मारेंगे। शायद तुम भूल रहे हो, ये गोलियों का शहर है बच्चे। वो एक एक याद मुझे अभी भी सताती है। मैं भूला नहीं हूं वो बातें, वो यादें जिन्होंने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। याद होगा तुमको जब तुमने अपने को खुद दफनाया था। याद है, बेहतरीन तरीके से याद है, एक एक बात याद है मुझे। आसमान को देख के अभी भी सोचता हूँ क्यों किया। मुझे तुम सारों की एक मिशन में मदद चाहिए, इसके बाद ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, हम इस शहर के मशहूर तरीन चोर। अब या तो हम अपनी कब्रें खोदेंगे या फिर
दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होंगे। तुम्हें अपना बदला लेने के लिए या तो अपने दुश्मनों को मारना पड़ेगा या खुद मरना पड़ेगा। ये बात एक राज है और राज ही रहने दो इसे। तुम अपने दुश्मनों को नहीं मार सकते बच्चे, क्योंकि तुम एक तगाबाज और घटिया इंसान हो। बदले का वक्त है, अब ये पूरी दुनिया रोएगी मेरे बदले के लिए।